और अब बात करेंगे सूरी शूटआउट के खालिस्तानी कनेक्शन की। मनजिंदर सिंह बिट्टा, इसी के साथ भारती सिंह कॉमेडियन, राम रहीम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख, इनके फोटोज मिले हैं, अब वो भी आपको हम बता रहे हैं। मनीषा गुलाटी चेयरपर्सन पंजाब महिला आयोग। तो शूटआउट का खालिस्तानी कनेक्शन आज सामने आया है और इन सबके जो फोटो बरामद हुए हैं उससे ये समझ में आता है कि ये सब लोग इनके टारगेट पर थे। तो आपको एक बार फिर से हम समझाते हैं कि क्यों खालिस्तानी कनेक्शन इसमें सामने आया और क्यों इससे जोड़कर देखा जा रहा है। आप समझिए सूरी के शूटआउट का जो पूरा कनेक्शन है वो कैसे है, क्योंकि मनजिंदर सिंह बिट्टा अध्यक्ष है AIATF के, इनकी फोटो बरामद हुई है। भारती सिंह कॉमेडियन है, भारती सिंह की फोटो बरामद हुई है। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख, राम रहीम की फोटो, और मनीषा गुलाटी चेयरपर्सन है पंजाब महिला आयोग की, ये चारों निशाने पर थे। और इसलिए कहा जा रहा है कि इन लोगों के फोटो मिलना, पिस्तौल मिलना और साथ ही पुलिस के सामने शूट करना, इस मंशा को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। शुक्रिया बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आपको बता दूं बिट्टा साहब का आज होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिट्टा साहब उस लिस्ट में आए हैं जहां पर ये जितने भी खालिस्तानी हैं ये खत्म कर रहे हैं देशभक्तों को, कह रहे हैं अब इनको हम एक एक करके खत्म करेंगे। और आप जानते हैं खालिस्तानियों को सपोर्ट कहां कहां से मिल रहा है। बिट्टा साहब स्वागत है आपका। सर बिट्टा साहब, हमने देखा है जब जब पाकिस्तान में कुछ चीजें बेहतर नहीं होती है, खतरनाक हालात वहां पर पैदा होते हैं, ऐसी हरकतें होने लगती है जो बॉर्डर एरिया की तरफ चिंता की लकीरें बिछा देती है, और इस वक्त ये हो भी रहा है हिंदुस्तान में। कल की खबर सबके जहन में है। पहले तो रूबिका जी, मैं आपकी इस डिबेट पे पहली बार ऐसा माहौल देख रहा हूँ। अभी कोई पाकिस्तान के बड़ा अच्छा बोल रहे थे, उन्होंने जय हिंद कहा भारतवासियों को पहली बार, और काजमी जी बैठे, हमेशा इनके साथ हमारी आपके चैनल पे बहस होती थी, खुल के बोलती है, अगर गलत है तो गलत कहने की कोशिश करती है, हिम्मत करती है, और गलत कहना पाकिस्तान में जो भी गलती करता है ये बहुत बड़ी बात। मैं आपके चैनल में पहली बार ऐसा देख, हाँ, लेकिन एमएस बिट्टा साहब पहली बात में ऐसा, काश कि अब्दुल समद साहब कह देते हमको कि हिंदुस्तान वासियों को जय हिंद, या PMLN के नेता कह देते जय हिंद, ये हमारे जनरल के सिन्हा ने कहा था, लेकिन लेकिन अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, आपने खाली सुनकर अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। मैंने पता नहीं चला मुझे, क्योंकि मैं देख नहीं पाया। मैं एक बात आपको कह दूं, बेनजीर भुट्टो का जब कत्लेआम हुआ उसको आप क्या कहेंगे, पॉलिटिकल टेररिज्म। हेलो, पॉलिटिकल टेररिज्म था वो, पॉलिटिकल टेररिज्म। बेनजीर भुट्टो का कर, ISI क्या कर रही है वहां, ISI का शुरू से अब तक यही काम रहा है। और पंजाब के अंदर आतंकवाद, 30,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान से हथियार आए, पाकिस्तान के जरिए RDX आया और तबाही मचाई हिंदुस्तान के अंदर, जगह जगह पे इन्होंने ब्लास्ट किए, बड़ी मुश्किल से हमने समाप्त किया, सीमाएं हमने सुरक्षित की। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारी सीमाएं टोटल सुरक्षित हुई, और हुआ क्या, हम नया रास्ता अपना लिया, ड्रोन के जरिए आतंकवाद, ड्रोन के जरिए नार्को टेररिज्म, ड्रोन के जरिए RDX, और वो RDX हथियार अभी टेररिस्ट पकड़े के कहां कहां जाएंगे, महाराष्ट्र में, नदेड़ा में, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में ब्लास्ट करेंगे। ये पाकिस्तान ISI की साजिश है। मैं अभी BSF के अधिकारियों को मिलकर वहां आया, अब कल एक शिवसेना के नेता को पुलिस वालों के सामने मार दिया गया, अब पता चला कि मैं भी हिटलिस्ट में हूं। मैं तो हमेशा इनकी हिटलिस्ट में रहता हूं, मेरी जिंदगी बोनस है, मुझे थे तो कई बार जारी, अब मौत की है कि हम कैसे जाएंगे, पर हम जब जाएंगे ना इस देश से, मातृभूमि के चरणों में उसकी सेवा करते हुए जाएंगे, हम बुझ देना को कार्य जाएंगे इन ISI के जो गोलियां बम इनसे पहले भी नहीं डरे, इन्होंने कितने कितने RDX बेटा साहब, कितने इन्होंने गोलियां चलाई, आप हमारे आए नहीं, सबसे बड़ा ये है आप हमारी आर्मी पे और ISI पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी आपकी एजेंसी क्या कर रही होती हैं कि हमारे लोग हिंदुस्तान, अरे मेरी, अरे हमारी एजेंसी सुन लीजिए, अगर हमारी एजेंसी कुछ कर रही हो,
पाकिस्तान में ना जाते हिंदुस्तान आपकी सरहदों की हिफाजत क्यों नहीं करती है? आप हमेशा ये कहते हैं कि आईएसआई घुस आई हिंदुस्तान में, आपकी एजेंसी क्या कर रही होती है, आपकी राह क्या कर रही होती है, खिलौनों की तरह लड़, आप हर बात हिंदुस्तान में अच्छी लड़ाई नहीं है, आपके पाकिस्तान की तरफ से रोज ड्रोन के जरिए कर्ज मारा, आपके पाकिस्तान की तरफ से रोज कश्मीर के अंदर आपके लोगों को मार। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने पहले पाकिस्तान को थमालिए, आपने पाकिस्तान को थमालिए, आपने इमरान खान को थमालिए, ठीक है, आपने वहाँ की पब्लिक को थमालिए, बिट्टा साहब क्या कह रहे हैं, आप अपने इमरान खान को तो संभाल नहीं पा रहे, आप यहाँ पे क्या वकालत कर रहे हैं, इमरान खान आईएसआई पर अटैक कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब बिट्टा साहब बोल लिए, अब रूबिका मुझे, मैंने नहीं बोला, मुझे बोलने नहीं दिया, साहब बोलिए, बोलने नहीं दिया, नहीं नहीं एक सेकंड, मैं कुछ टाइम और देना चाहती हूँ, वो लेट से जुड़े हमारे साथ, हाँ बेटा साहब कह रही, जवाब दूंगा मैं इनको, एक बात कहना, हम कसम खा के कहते भगवान की, रोज अमृतसर में रोज हरकतें इनकी देखते हैं, रोज गुरदासपुर में इनकी हरकतें देखते हैं, रोज ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे डेली, क्या हम भेज रहे हैं वहां पे? आप देखिए गुजरात की सीमाएं देखिए, आप देखिए बीकानेर की सीमाएं देख लीजिए, आप देखिए जैसलमेर की सीमाएं, मैं बीएसएफ के साथ वहां पे जाता हूं और कहां पाकिस्तान दिखाई नहीं देता, हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, मेरी बात हुई कई बार अधिकारी उधर से केंद्र उधर से हमारे से कोई खतरा नहीं है, खतरा है, हमको है, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है, लेकिन खान साहब गलत क्या बोल रहे हैं, बिट्टा साहब गलत क्या बोल रहे हैं, बेकाउ हो सकते हैं हिंदुस्तान के लोग, बेकाउ नहीं, बिट्टा साहब को ले आओ पाकिस्तान, नहीं मैं ये नहीं करना चाह रही थी, खान साहब मैं आपको एक बात, कैसे पाकिस्तान में मेरी बात सुन ले, अरे मेरी बात सुनो, पाकिस्तान के बारे में 93 का मेरा इतिहास, 92 का इतिहास याद रखो, जब वाघा बॉर्डर पे 2 लाख की तिरंगे झंडे लेके आया था और आपकी आईएसआई क्या कहती थी, बिट्टा खोको बेनजीर को बुरा कहना बंद करने ने तो गोली चलाएंगे क्या कहा था, अरे ये तिरंगे झंडे तेरी गोलियां चलेगी तेरे लाहौर में घुस जाएंगी, याद रखना सीने तिरंगे झंडे लेके 2 लाख की भीड़ और मेरे नाम पे पटवे जरूरत नहीं है, मैं वही बिट्टा हूँ जिसने कच्छ बॉर्डर पे 2 लाख की भीड़ लेके आपके चने चबाए थे, एक तिरंगे झंडे लेके हिंदू मुस्लिम बिट्टा साहब, सुनिए बिट्टा साहब को, सुनिए ना, आप खरीदेंगे ना, मैं बताती हूँ आप क्या खरीदेंगे, मुझे भी सुनना, हाँ हाँ बिल्कुल सुनेंगे आपको, नहीं क्या खरीदेंगे खान साहब, एक बात कहूँ आपको, ये बिट्टा साहब आपके जब चैनल पर आएंगे ना तो ये कुछ लेंगे नहीं, पर वहां से जब इस चैनल पर आएंगे ना कुछ लिया, तो पक्का मैंने आपके कुछ ले लिया है क्या, ठीक है सर, ये सबको पता है, मैं ये कहता हूं किसको कैसे खरीद रहा है, बात बोलते हैं वो बिल्कुल सबको पता है सर, सबको पता है, गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं बिट्टा साहब, कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने ना, हमारा मुल्क 370 धारा हटाई ना, हमारा मुल्क हम लेंगे वापस, डॉक्टर साहब की हिम्मत, डॉक्टर 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 देखो आंख उठा के देख लो, बिट्टा साहब बस बिट्टा साहब जाते वक्त आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आप भारत की संतान है, आप सिख हैं सर, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका हो सके जो जग बैरी हो, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, 135 करोड़ भारतवासी आपकी रक्षा के लिए आगे जाएंगे सर, इंशाल्लाह आमीन ये होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने